पिछले वीडियो में हम बात किए थे इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन का इंट्रोडक्शन के बारे में और जीओटी के रूल्स के बारे में, क्या होता है जीओटी इसके बारे में देखे थे। ठीक, ये वीडियो पर हम बात करेंगे अब इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन के रूल्स के बारे में या उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है योगेश साहू, आपका मेरे यूट्यूब चैनल योगेश केमिस्ट्री पर स्वागत है। तो देखते हैं इसको, ये जो प्रॉपर्टीज़ इसका इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन का प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, इसको फाइव रूल में हम डिवाइड कर देते हैं, पांच रूल होता है। पहला रूल क्या बोलता है, नंबर ऑफ इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ क्लास। ठीक, जितना क्लास है उतना ही इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन पाया जाएगा। ठीक, तो जितना क्लास उतना इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। तो सी टी वी पॉइंट ग्रुप में बात करते हैं तो चार क्लास होता है, ऑर्डर चार होता है। ठीक, तो यहाँ पर इसके आधार पर देखते हैं इसका इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन कैसे आने वाला है। सी थ्री वी पॉइंट ग्रुप के लिए बात करते हैं तो इसमें क्लास थ्री होता है, जैसे कि यहाँ पर देख थोड़ा सा और इस क्लास को दिखा दिया हूँ, आइडेंटिटी होगा सी थ्री और सी थ्री टू होगा एक क्लास में, और सिग्मा भी वाला जो भी कॉन्सेप्ट है वो एक क्लास में होगा। ठीक, तो यहाँ पर तीन क्लास, जबकि इसके लिए ऑर्डर देखते हैं तो छः ऑर्डर है। ठीक, ऑर्डर और क्लास में डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर ये आगे समझ में नहीं आने वाला है। ठीक, तो पहले ये समझ लीजिए क्लास और ऑर्डर, पिछले वीडियो से जाकर नहीं समझे होंगे तो। ठीक, तो सी टू वी पॉइंट ग्रुप के लिए बात करते हैं, यहाँ पर क्लास की संख्या कितनी है, चार। तो यहाँ पर इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन की संख्या कितनी होगी, चार, जैसे कि यहाँ पर ये चार क्लास में है तो इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन की संख्या एक दो तीन चार, इस प्रकार से चार इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन की संख्या रहने वाला है। नंबर ऑफ इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ क्लास। ठीक, इतना समझ में आ गया, तो चार क्लास है। अब इसके लिए जो ऑपरेशन है ऑर्डर, ठीक, यहाँ से अपने को क्लास और ऑर्डर दोनों समझ में आ जाता है। यहाँ पर जितना क्लास रहेगा उसको हम डिनोट कर लेंगे और यहाँ पर से फिर ऑपरेशन, फिर इसका वैल्यू, जैसे कि इस कॉलम के लिए मैं K1 K2 लिया हूँ, इस कॉलम के लिए L1 L2 L3 ले लिया हूँ, और इसको M से, इसको N से, इस प्रकार से मैं सबको फिल कर दिया हूँ। और इसी K1 K2 K3 या L1 L2 L3 M1 M2 M3 या N1 N2 N3 ये सबका वैल्यू अपने को फाइंड आउट करना है। मतलब अपने को क्या करना है, अब कैरेक्टर टेबल फॉर्म करना है। कैरेक्टर टेबल कैसे फॉर्म किया जाता है देखते हैं। ठीक, तो पहला रूल में बोला कि नंबर ऑफ इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ क्लास। ठीक, दूसरा रूल जाते हैं, दूसरा रूल क्या बोलता है तो इसमें देखते हैं, तो डायमेंशन के स्क्वायर, जो डायमेंशन का स्क्वायर होता है उसका सम, स्क्वायर का सम ना, डायमेंशन वाले कॉलम में स्क्वायर का सम, उसका डायमेंशन के स्क्वायर का सम ग्रुप के ऑर्डर एच के इक्वल होता है। ठीक, जो ग्रुप का ऑर्डर होगा उसके इक्वल क्या होता है, डायमेंशन के स्क्वायर का सम। जैसे कि पहला रूल में देखें इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन की संख्या क्लास की संख्या के बराबर होती है, उसी प्रकार से यहाँ पर डायमेंशन के स्क्वायर का सम ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल होता है। ठीक, तो अब यहाँ पर डायमेंशन किसको बोलते हैं तो आपको पता है, जैसे कि मैं बोला था आइडेंटिटी वाले कॉलम में जो भी सिंबल रहे, मतलब जो भी वैल्यू रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, डायमेंशन बोलते हैं। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, इसका डायमेंशन हो जाएगा K1 K2 K3 K4, ये इसके लिए डायमेंशन है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इसका जो वैल्यू क्या हो जाएगा, K1 का KI का स्क्वायर, उसका समेशन इज इक्वल टू H, इस टाइप से इसके लिए फॉर्मूला दिया जा सकता है। ठीक, तो K1 स्क्वायर प्लस K2 स्क्वायर K3 के स्क्वायर प्लस K4 का स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर 4 होगा। C2V पॉइंट ग्रुप के लिए बात कर रहा हूँ, C2V पॉइंट ग्रुप को एग्जांपल लेकर मैं चल रहा हूँ। इसके लिए हम देखे थे ऑर्डर क्या मिला था, अपने को 4 मिला था, क्लास भी 4 मिला था और ऑर्डर भी 4 मिला था। ठीक, तो अपने को ऐसा वैल्यू सेट करना है यहाँ पर K1 K2 K3 K4 के लिए कि उसका स्क्वायर बराबर 4 मिले। तो एक ही ऑप्शन यहाँ पर बनता है, 1 1 1 1 रखते हैं तो सभी का स्क्वायर करने पर भी एक का स्क्वायर एक, एक का स्क्वायर एक, इस प्रकार से सभी का समेशन मतलब सम क्या मिल जाएगा, अपने को 4 मिल जाएगा। ठीक, तो K1 K2 K3 K4 का वैल्यू क्या मिला, अपने को 1 मिला है। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखते हैं तो आइडेंटिटी वाला कॉलम में यहाँ पर सभी के लिए वैल्यू क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। ठीक, एक कॉलम फिल हो गया। ठीक, इसी प्रकार से आगे कॉलम को फिल करते हुए चलते हैं, अगला रूल में देखते हैं अगला रूल क्या बोलता है। तो अगला रूल बोलता है इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन के कैरेक्टर के स्क्वायर का योग ग्रुप के ऑर्डर के बराबर होता है। ठीक,
अब क्या बोला जा रहा है, इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन का जो कैरेक्टर के स्क्वायर का योग है, इसमें इसके जो अंदर में कैरेक्टर है मतलब ये जो वैल्यू है यहाँ पर ये सब में, ये सब वैल्यू के स्क्वायर का योग ग्रुप के ऑर्डर के बराबर होता है। फिर से एक जो पॉइंट बोला जा रहा है यहाँ पर क्या बराबर होगा, बोल रहा है इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन के स्क्वायर का योग ग्रुप के ऑर्डर के बराबर होता है। ठीक, तो जैसे कि ये लेमडा वन के लिए बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, के वन का स्क्वायर प्लस एल वन का स्क्वायर प्लस एम वन का स्क्वायर प्लस एन वन का स्क्वायर इज इक्वल टू एच, जो कि ग्रुप के ऑर्डर के बराबर है। ठीक, इस टाइप से बोला जा रहा है, मतलब ये वाला पूरा का पूरा, पहले हम देखे थे डायमेंशन के लिए स्क्वायर का सम ऑर्डर के बराबर होगा, डायमेंशन के बराबर होगा। ठीक, ये डायमेंशन का स्क्वायर ऑर्डर के बराबर होगा। ठीक, अब यहाँ पर देखते हैं ये जो हॉरिजॉन्टल है रो है, इसका भी स्क्वायर का सम उस ग्रुप के ऑर्डर के बराबर होता है। ठीक, तो अपने हम यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर सी टू वी पॉइंट ग्रुप के लिए ऑर्डर इज इक्वल टू क्या है, फोर है। ठीक, फार्मूला देना चाहें तो फार्मूला इस टाइप से दे सकते हैं, समेसन और ये जो रिप्रेजेंटेशन है ऑपरेशन, यहाँ पर ऑपरेशन आर ऑपरेशन को बताता है, ऑपरेशन वाला के लिए यहाँ पर काई वन काई आई मतलब जो कैरेक्टर है यहाँ पर। ठीक, तो ये जो ऑपरेशन का स्क्वायर है ये इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच, एच मतलब ऑर्डर। ठीक, इस टाइप से फॉर्मूला दिया जा सकता है। तो इसमें देखते हैं यहाँ पर एक एक कॉलम का वैल्यू मिल चुका है जो कि है वन। ठीक, तो वन एल वन का स्क्वायर एम वन का स्क्वायर एन वन का स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ले सकते हैं इस टाइप से। अब फिर अपने को देखना है, ऐसा वैल्यू सेट करना है अपने को ये सब L1, M1, N1 का, कि सभी का स्क्वायर का योग क्या मिले अपने को, फोर मिले। तो फिर से अपने पास वही ऑप्शन बनता है कि सभी का वैल्यू हम एक रख ले, एक का वैल्यू तो पहले से मिल चुका है K का, बाकी सब ये तीनों का वैल्यू अपने को ऐसा सेट करना है कि स्क्वायर का योग फोर मिले। तो फिर से ऑप्शन एक ही बनता है, सभी का वैल्यू एक रख लें ताकि उसका स्क्वायर का योग अपने को फोर मिल जाए। ठीक, तो यहाँ पर फिर से एक और रो का वैल्यू मिल जाता है इस टाइप से, और रो का वैल्यू में हम रख सकते हैं अब वन वन वन। ठीक, यहाँ पर वन 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 रखा जा सकता है। अगला फिर बढ़ते हैं आगे कैरेक्टर वर्ब को पूरा करने के लिए रूल नंबर फोर में। तो यहाँ पर देखते हैं इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन के कोई भी दो कैरेक्टर आपस में ऑर्थोगोनल होते हैं। ठीक, क्या बोला जा रहा है, कोई भी दो कैरेक्टर आपस में इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन का कोई भी दो कैरेक्टर आपस में ऑर्थोगोनल होते हैं, मतलब ऑर्थोगोनल मतलब क्या हो जाएगा, आई नॉट इक्वल टू जे, मतलब कोई दो कैरेक्टर आपस में कभी भी आपस में बराबर नहीं होंगे, एक समान नहीं होगा, आइडेंटिकल नहीं होने वाला है। आपको पता ही है ऑर्थोगोनल के लिए जैसे कि फंक्शन में बात करते हैं तो इस टाइप से लेते हैं साई वन साई टू और जो भी सिमेट्री वॉल्यूम रहेगा इज इक्वल टू जीरो। ठीक, ये जीरो कब मिलता है अपने को, जब ये आपस में बराबर नहीं होते हैं। ठीक, तो यहाँ पर आपस में ये बराबर नहीं होने वाला है तभी ये ऑर्थोगोनल होंगे। ठीक, तो बराबर जीरो लेना है अपने को, तो उसके लिए हम फार्मूला देख दे सकते हैं कुछ इस टाइप से। ठीक, एन काई वन आर काई जे आर और बराबर जीरो। ठीक, इस टाइप से इसके लिए फार्मूला दे सकते हैं। तो काई आई और काई जे क्या है, यहाँ पर कैरेक्टर के बारे में बता रहा है अपने को, और ये जो n दिख रहा है आपको, ये n क्या बताएगा, सिमेट्री ऑपरेशन के सामने जो भी वैल्यू लिखा रहता है, जैसे कि देखिए यहाँ पर c3 इज इक्वल टू, तो यहाँ पर सामने में क्या लिखा है, एक। ठीक, अगर 3c2 लिखा है तो सामने में 3 लिखा है तो 3 हो जाएगा, ये n का वैल्यू बताएगा। और जो लेमडा वन लेमडा टू के प्रोडक्ट का योग क्या होने वाला है, जीरो होने वाला है। ठीक, ये आपको लेमडा वन बता देगा, ये आपको लेमडा टू बता देगा, तो दोनों के प्रोडक्ट का योग क्या होने वाला है, जीरो होने वाला है। तो ये इसका चौथा रूल है, इसको देखते हैं अब कैसे सॉल्व करना है। तो जैसे कि कोई भी दो कैरेक्टर का समेशन क्या होने वाला है, जीरो होने वाला है। ठीक, जैसे कि टाउ वन और टाउ सॉरी लेमडा वन और लेमडा टू को पकड़ते हैं, तो लेमडा वन और लेमडा टू का प्रोडक्ट क्या मिलने वाला है, जीरो होने वाला है। ठीक, तो ऐसा इसको सॉल्व करना है। तो अब अपने को देखना है, जैसे कि ये कॉलम में अपने को एक 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 मिला था, इधर रो में भी अपने को एक एक मिल चुका है। ठीक, बाकी यहाँ पर क्या हो जाएगा, L2, ये हो जाएगा M2 और ये हो जाएगा N2, इस टाइप से है। तो समझना है अपने को, फिर से मैं बैक नहीं कर रहा हूँ। तो इसमें देखेंगे वन वन वन
एन क्या है आपको, जैसे जो सिमेट्री ऑपरेशन है उसके सामने का वैल्यू मान लेते हैं, उसके सामने सभी में तो एक है, ठीक। थोड़ा सा करेक्टर टेबल फिर से देख लो जो बनाने वाले हैं उसके बारे में। यहाँ पर सबके सामने में क्या है, यहाँ पर एक 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 है, ठीक। यहाँ पर पूरा एक है और यहाँ पर पूरा एक है, ठीक। तो इसी को मैं अब आगे सॉल्व कर रहा हूँ। तो ये हो जाएगा वन 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 वन, और यहाँ पर देखते हैं तो वन वन एल टू, फिर वन वन एम टू, वन वन एन टू, तो इज इक्वल टू जीरो। एक आपको यहाँ पर बता रहा है सिमेट्री ऑपरेशन के सामने का वैल्यू वन, एक ये बताएगा टाउ वन से और एक सॉरी लेमडा वन से और लेमडा टू से, ठीक। उसी प्रकार से यहाँ पर ये सिमेट्री ऑपरेशन के सामने का वैल्यू वन, ये हो जाएगा लेमडा वन से और ये हो जाएगा लेमडा टू से, ठीक। उसी प्रकार से सभी में है वन लेमडा वन लेमडा टू, वन लेमडा वन लेमडा टू, इस प्रकार से है। और सभी का ये प्रोडक्ट का समेशन क्या बताएगा आपको, जीरो के बराबर होता है। इसको सॉल्व करेंगे तो अपने को इस टाइप से मिल जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर लेमडा टू का वैल्यू वन लेते हैं, लेमडा एम टू का वैल्यू माइनस वन लेते हैं और एन टू का वैल्यू माइनस वन लेते हैं, तब अपने को ये जीरो के बराबर मिलेगा। इसको जीरो के बराबर करना है तो अपने को वैल्यू ऐसा सेट करना है यहाँ पर कि ये जीरो हो जाए, ठीक। तो यहाँ पर देखते हैं तो ले लेते हैं एल वन का वैल्यू, एल टू का वैल्यू वन, ये माइनस वन, ठीक। अब जैसा चाहे वैसा ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर माइनस वन को इधर पहले लेना है तो माइनस वन को पहले ले लीजिए, जैसा लेना चाहे वैसा ले सकते हैं। अपने को ऐसा सेट करना है कि वैल्यू जीरो के बराबर आ जाए, ठीक। तो मैं पहले यहाँ पर L2 का वैल्यू पॉजिटिव लिया हूँ, बाकी दोनों का वैल्यू नेगेटिव लिया हूँ। याद रखिएगा दो करेक्टर का वैल्यू आपस में कभी भी इक्वल नहीं होता है, ठीक, ऑर्थोगोनल थ्योरम से। तो आप जैसा भी लेना चाहते हैं यहाँ पर ले सकते हैं, अगला वाले में वैल्यू में वहाँ पर ये चेंज हो जाएगा, ठीक। जैसे मैं यहाँ पर पॉजिटिव लिया हूँ तो अगला वाला करेक्टर में L2 का वैल्यू, दो L2 का वैल्यू कभी भी सेम नहीं होगा, ठीक। इस टाइप से कंडीशन हम जब बनाते हुए जाएंगे तो ये आपस में डिफर ऑटोमेटिक डिफरेंट हो जाता है, ठीक। तो यहाँ पर ये वैल्यू ऐसा रखने से ये जीरो के बराबर आएगा, तो अपने को ये एल वन टू, एल एम टू और एन टू का वैल्यू भी अपने को अब मिल गया है, ठीक। तो ये वैल्यू हम करेक्टर टेबल में अब रख सकते हैं। फिर उसी प्रकार से जैसे कि टी टू और टी सॉरी लेमडा टू और लेमडा थ्री बराबर जीरो रख सकते हैं, और लेमडा थ्री और लेमडा फोर बराबर जीरो रख सकते हैं, ठीक। इसी प्रकार से रखते हुए जाते हैं तो ये कुछ वैल्यू अपने को इस टाइप से मिलेगा और करेक्टर टेबल इस प्रकार से फिल हो जाएगा, ठीक। जैसे कि यहाँ पर मैं एक साथ दोनों को माइनस रखा था, तो यहाँ पर एक साथ माइनस नहीं रख सकता हूँ, अलग अलग रखूँगा। और फिर यहाँ पर ये दोनों को एक साथ माइनस रख लिखते हैं तो ये वैल्यू ऐसा अपने को मिल जाएगा, ठीक। आई होप ये क्लियरली आप समझ में आ गया होगा। ये जो चार रूल से पूरा का पूरा करेक्टर टेबल फॉर्म हो जाता है, ठीक। इसका जो पाँचवा रूल होता है वो क्या बोलता है, समेशन ऑफ इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन इज इक्वल टू समेशन ऑफ रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, ठीक। तो ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। जनरली जब कैरेक्टर टेबल फॉर्म करते हैं तो इसका यूज ज़्यादातर नहीं होता है, शुरुआत का जो तीन कैरेक्टर तीन रूल हैं उसी से ही पूरा का पूरा कैरेक्टर टेबल फॉर्म हो जाता है, ठीक। तो ये तो रहा कैरेक्टर टेबल के बारे में। आई होप ये क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा कि ये किस टाइप से इसको फॉर्म करना है। अगले वीडियो पर हम बात करेंगे इसके कुछ एग्जांपल्स के बारे में, और एग्जांपल लेके सॉल्व करना है कि इसको किस टाइप से फाइंड आउट करना है, डिटरमाइन करना है, ठीक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।